हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आई स्मार्ट टेक। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 5G फ़ोन के बारे में। इसका 4G वेरिएंट जो है कुछ टाइम पहले यानी कि जून में इंडिया में लॉन्च हुआ था, तो उसी का ही अब 5G वेरिएंट भी बहुत जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। अभी कुछ ही टाइम पहले फ़ोन गीक बेंच में लिस्ट हुआ था, तो फ़ोन के कई सारे स्पेसिफिकेशन वहाँ से रिवील हो गए हैं, तो सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि फ़ोन इंडिया में आपको कब तक देखने के लिए मिलने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर ही आपको इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए बात करते हैं फोन के स्पेसिफिकेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले की। तो फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड बॉडी के साथ मिलने वाला है, जैसा कि हमेशा से ही सैमसंग के फोन प्लास्टिक बिल्ड बॉडी के साथ ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही 6.5 इंच की फुल HD TFT डिस्प्ले इसमें मिलने वाली है आपको। 90Hz का रिफ्रेश रेट भी फोन में दिया गया है। साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको फोन में मिलने वाला है। बात करूं अगर फोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 720 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही फोन आपको 4GB 64GB और 6GB 128GB वेरिएंट में मिलने वाला है। साथ ही फोन आपको Android 11 के साथ मिलने वाला है। साथ ही फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। बात करूं अगर फोन के कैमरा सेटअप के, तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि 64 मेगापिक्सल का भी आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाए। साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी फोन में देखने के लिए मिलने वाला है। बात करूं सेल्फी कैमरे की, तो 20 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा फोन में मिल जाएगा। बात करते हैं फोन की बैटरी और चार्जिंग की, तो फोन में आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि सपोर्ट करती है 25W फास्ट चार्जिंग को। आई होप इस बार 25W का चार्जर भी आपको बॉक्स के साथ मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फोन के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फोन जुलाई एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर प्राइस की बात करूं, तो अंडर 20,000 ये फोन होने वाला है। तो जहां तक मुझे लगता है 18 से 19 हज़ार में ये फोन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ की स्पेसिफिकेशन है अभी तक जो भी फ़ोन के बारे में लीक हुआ है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये की स्पेसिफिकेशन लीक में आया है सामने, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई चेंज वगैरह भी इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में होता है, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। और चेंज ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है, TFT डिस्प्ले की जगह यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले आपको मिल सकता है। 48 मेगापिक्सल की जगह आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। वहीं सेल्फी कैमरे में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिलहाल अभी तक M32 5G वेरिएंट के बारे में जो भी कुछ चीज़ें निकल के सामने आई थी, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको कैसे लगे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो यार वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की वीडियो देखना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।